उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जवाहर नगर निवासी दिवंगत सैनिक भवन भट्ट के घर पहुंचकर उनके परिजनों को शोक सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री ने सैनिक की पत्नी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होने पर सैनिक की पत्नी पूजा भट्ट को रोजगार देने की बात कही। इसके बाद ही उन्होंने सैनिक की माहेश्वरी देवी, पिता हरीश दत्त भट्ट तथा सैनिक की बहन कुसुम को सांत्वना देते हुए परिवार के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहने की बात कही। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने दिवंगत सैनिक के घर जाने वाली जलमग्न सड़क के निर्माण की मांग केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के सम्मुख रखी, जिस पर उन्होंने SDM किच्छा कौस्तुभ मिश्रा को तत्काल जल निकासी करवाने का निर्देश दिया। मैं शहीद के माता पिताजी से मैं मिला हूँ, कष्ट तो होता ही है कि इकलौता बेटा और माता पिता के मन में ये बार बार एक भाव आता है कि अब हमारा कौन है, लेकिन बहुत हिम्मती है माता भी पिताजी भी, जब समझते हैं कि जवान के साथ कभी भी ऐसा घटित होता है। आज वो हमारे सबका राष्ट्र का बेटा हो गया है, अकेले इस परिवार का बेटा नहीं बल्कि पूरे भारत का बेटा हो गया है। जो भी होगा उसके लिए हम लोग सब करेंगे, और बेटे की पत्नी यानी कि बहू जो है हमारी वो सी सर्टिफिकेट वाली है NCC की। मैंने कहा है कि इसको घर नहीं बैठाना है, आर्मी में जाएंगी, अपने पति के सपनों को पूरा करेगी। वहाँ जब सी सर्टिफिकेट वाले जाते हैं तो उनको रिटर्न में फेस नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। उम्र होगी अभी, मैं सोचता हूँ वो सारा दिखवाऊँगा, अभी जो क्रियाकर्म चल रहा है इसके बाद हम सब देखेंगे, जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।